और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको तो यहाँ पर आंदोलनकारियों की यहाँ पर सहमति और साथ यहाँ पर मनोभावनाओं की यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी और साथ यहाँ पर सरकार की तरफ से घोषित यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यहाँ पर अधिकारियों के यहाँ पर तैनाती को लेकर गैरसैंण प्रेस के यहाँ पर प्रतिनिधियों का भी यहाँ पर जो है उपवास दूसरे दिन भी यहाँ पर जारी रहा है। और साथ ही यहाँ पर आंदोलन कर रहे और साथ ही आंदोलन पर डटे यहाँ पर वरिष्ठ जनों और साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने आंदोलन जारी रखने की यहाँ पर बात कही है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कई मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। अल्टीमेटम सिर्फ इस चीज़ का था कि गैरसैंण में जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, जो एसडीएम है उनको बिठाओ, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद आप देख रहे हैं आज के हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो परिवार हैं, उनके परिजन, जो शहीद परिवार हैं, उनकी वीरांगनाएं आज सड़क में बैठी हैं। सरकार को सुधि बुद्धि आए, यहाँ पे एसडीएम भेजे, बीडीओ भेजे, डीईओ भेजे और उसके लिए आंदोलन है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार लोग समर्थन दे रहे हैं, अगर तुरंत इन मांगों की पूर्ति नहीं हुई, तुरंत इन मांगों की सुनवाई नहीं हुई, तो ये एक बड़ा आंदोलन होता है। निश्चित तौर पे आप जो हमारे तमाम पत्रकार, आप लोग बंधु, हमारे जो भी पत्रकार हैं, हमारे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और जितने भी हमारे गैरसैंण के पत्रकार हैं, आप सब लोगों ने जिस प्रकार की मांग यहाँ पर उठाई है, गैरसैंण में जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे एसडीएम और हमारे तहसीलदार और हमारे अन्य कई कर्मी हमारे इस गैरसैंण में नदारद हैं, निश्चित तौर पे प्रशासन से भी और शासन से भी हम ये मांग जरूर करेंगे। जो आप लोगों की ये मांग है कि जिस प्रकार से एसडीएम यहाँ पर स्थायी रूप से कभी बैठते नहीं हैं, चार्ज के हिसाब से ही हमारा गैरसन कई सालों से यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है, तो बहुत हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुखद घटना भी है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने प्रेस क्लब का। आपने जो मेन मुद्दा जनप्रतिनिधियों का था, जिस पर काम जनप्रतिनिधियों ने करना था वो आपने उठाया, और मैं यही कोशिश करना चाहूँगी कि इसमें सारे जनप्रतिनिधि भी अपना सहयोग दें, सारे महिला मंगल दल इसमें सहयोग दें, युवक मंगल दल सहयोग दें, सारे संगठन इसमें सहयोग दें, क्योंकि ये मुद्दा आम आम जनता का है, सबका है। इसमें जो भी ये मुद्दा उठाया गया है, इसमें सबके हित का है ये मुद्दा, इसलिए सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।